होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अमन सुकून चैन के साथ हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व संपन्न हो गया। लेकिन होली के पर्व पर क्या क्या हुआ, कहां कहां जुलूस निकले, लाड साहब निकले और किस अंदाज में मनाई गई होली, होली के पर्व पर एक खास स्पेशल रिपोर्ट डालते हैं निगाह। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिरकार किस अंदाज में अलग अलग परंपरागत तरीके से निकाले जाते हैं जुलूस, जिसमें लाट साहब किस किस अंदाज में निकलते हैं। लेकिन आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुल्ला गंज के जो लाट साहब निकलते हैं, वो लाट साहब अपने अलग अंदाज में, अपने अलग रंग में, अपने अलग ढंग में बाखूबी देखिए। जो लाट साहब कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुल्ला गंज से निकाले जाते हैं, बरसों से परंपरा है निकालने की, नंगे, ये देखिए नंग धड़ंग और क्या क्या हरकतें होती हैं, बाखूबी देखिए, विस्तार से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सब छूट है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में जो चाहो कर लो। आपको बता दें हुड़दंगियों के साथ छूट, पुलिस को भी नहीं बख्शते ये हुड़दंगी। और इसके साथ साथ जो नवाब निकलता कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्ला गंज का, वो अपने आप में एक अलग अंदाज में निकलता है। हालांकि ये परंपरा है उनकी, घोड़े के ऊपर नंग धड़ंग, तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, कोई कपड़ा नहीं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि अब्दुल्ला गंज से निकलता हुआ गर्रा राजघाट गर्रा पुल पर जाता है और जाने के बाद अजीजगंज तक जाता है, और अजीजगंज में जाने पर वहाँ ब्रेक लग जाता है और वहाँ से फिर वापसी करता है। और गाते बजाते के साथ साथ जूते चप्पल लाट साहब के मारे जाते हैं, और मारने के बाद, हालांकि लोगों ने बताया, बाखूबी हमने पूछा तो लोगों का ये कहना है कि बरसों की परंपरा है ये, और परंपरा भी कैसी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और जब वापसी होकर अजीजगंज से लाट साहब आता है तो आने के बाद चौकी राजघाट पर सलामी दी जाती है। सलामी का मतलब जाता है और घोड़े पे बैठा होता है। लेकिन ये देखिए चौकी इंचार्ज के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं दंग रह जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये कैसा नवाब है। लेकिन ये परंपरा है होली में लाट साहब की, कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुल्ला गंज की ये परंपरा है, इसी तरीके से निकाला जाता है। और 2 घंटे की छूट में जो चाहे करें, ये देखिए तरह तरह की हरकतें, तरह तरह के एंगल। क्यों? क्योंकि जो हुड़दंगी है इस वक्त वो अपने कंट्रोल में नहीं है, दारू भी भरपूर है और दारू के साथ साथ हुड़दंग भी भरपूर है और उसके साथ साथ छूट भी है, तो जो चाहे कर लें। ये देखिए इस वक्त हुड़दंगी किसी की भी नहीं मानते, यहां तक कि जो लाट साहब बैठा है उसकी भी नहीं मानते, जूतों से स्वागत और उसके साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को तो इस तरीके से मन कुचल देते हैं कि शायद कुचलने का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं कुचल देते हैं, लेकिन इस तरीके से जूते चप्पल प्राइवेट पार्टों पर बरसाते हैं कि शायद लाट साहब के बाद
चार छह आठ दिन के बाद दर्द महसूस करता होगा, लेकिन वो भी क्या करे, परंपरा है। लाट साहब कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुल्ला गंज का अलग अंदाज में दिखाएंगे आपको हम लाट साहब। और कुल मिला के जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत रंग लाई, और रंग लाने के बाद हर्ष उल्लास के साथ, अमन सुकून के साथ, चैन के साथ, खूबसूरती के साथ प्रशासन ने चाबुक कानूनी चलाया, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। जहां पर ऐसा लाट साहब निकले और वहां पर सुकून अमन चैन से होली का लाट साहब संपन्न हो जाए, प्रशासन को दाद देना पड़ेगी, प्रशासन का सराहनीय कार्य भी कहा जाएगा। ये देखिए, और अब हम आपको दिखाएंगे कुल मिला के विस्तार से पूरी हकीकत, क्या क्या होता है नंगे लाट साहब में, खुल कर दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। देखिए जरा, कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुल्लागंज के लाट साहब, नंगे लाट साहब का अलग जलवा, क्या है जलवा। Thank you.
If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.